Shambhunath Group of Institutions, shaping the future. And now. Hello students, myself Ashish singh. और आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जो पार्ट्स सेशन के पहले हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद का जो पार्ट्स है वो हम लोग यहाँ कवर करेंगे. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का वो है कोरोजन. कोरोजन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आयरन के मिडल सरफेस पे जो ब्राउन कलर का रस्ट लगता है, ठीक है, ब्राउन कलर का जो डस्ट टाइप का उस पर लगा होता है, वही है आपका क्या, कोरोजन. तो कोई भी मेटल अगर है, अगर वो एयर में एक्सपोज है, एयर में रखा हुआ है, तो एयर के जो आपके गैसेस हैं, मॉइस्चर हैं, ठीक है, वो उस पर अटैक करते हैं, जिससे कि उसमें कोरोजन स्टार्ट होता है और जिससे धीरे धीरे वह मेटल क्या होता है, डिग्रेड होना शुरू कर देता है, वह मेटल ख़त्म होना शुरू हो जाता है. तो वही पूरा केमिकल प्रोसेस उसका क्या है, किस तरीके से कोरोजन स्टार्ट होता है, उसका क्या ड्रॉबैक है कोरोजन से, और किस तरीके से मैकेनिज्म है, वही पूरा पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि कोरोजन की डेफिनेशन, जो इसका डेफिनेशन है, कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस ड्यू टू द अनवांटेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरैक्शन ऑफ मेटल विद इट्स एनवायरनमेंट. यानी कि यहां पे आपको देखिए एक वर्ड मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरैक्शन. किसी भी मेटल का जब क्रोजन होता है तो उसमें देखा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरैक्शन ही होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरैक्शन बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ही आप देखिएगा, वहां पर हमने दो वर्ड यूज किया था, कैथोड और एनोड. तो ठीक वही इंटरैक्शन आपको यहां देखने को मिलेगा. तो वो इंटरैक्शन में जिस पार्ट का कोरोजन होता है वो होता है एनोड, और जिसके थ्रू कोरोजन होते हैं जैसे गैसेस हो गया, उसके सरफेस मॉइस्चर हो गया, वो हो जाएगा आपका कैथोड. तो कैथोड और एनोड का जो रिएक्शंस यहां पे आपको देखने को मिलेगा वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरैक्शन. अब इसके जैसे आप देखते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, Fe2O3 × XH2, ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला है. XH2 क्रिस्टलाइन वाटर होता है, ठीक है, जैसे कि अगर पाउडर फॉर्म में है, मतलब डिहाइड्रेटेड, अगर ब्राउन कलर का डस्ट दिखता हो तो Fe2O3 या Fe3O4, ठीक है, H2 नहीं मिलेगा. लेकिन जब यही रस्ट धीरे धीरे आपके कलेक्ट होते जाएंगे और एक पपड़ी जैसा दिखना शुरू कर देगा, इसका मतलब उसमें क्या है, ये H2O उसके साथ कंबाइन है, ये क्रिस्टलाइन वाटर वहां पर कंबाइन है. तो इस तरीके से इसी प्रोसेस को आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर कोरोजन का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि किसी भी मेटल सरफेस पर ये प्रोसेस होता है और धीरे धीरे मेटल क्या होता है, वो डिग्रेड होता है. अब यहाँ पर ये देखेंगे कि कोरोजन क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है. हमने जो है बड़ा पैसा लगाकर हमने डोर बनाया है ना आयरन का, हमने सारा चीज खर्च किया मेटल पर, लेकिन जब हम देखते हैं अगर उसका प्रोटेक्शन ना करें तो धीरे धीरे वो डिग्रेड होते जाते हैं. तो डिग्रेड क्यों होते हैं इसको आपको समझना है. चलिए देखते हैं. तो होता क्या है कि जो मेटल हम लोग मतलब कि लाते हैं वो तो कहाँ से लाते हैं, हम लोग लाते हैं शॉप से लाते हैं. शॉप वाला कहाँ से लाता होगा, वो एक इंडस्ट्रीज से लाता होगा. इंडस्ट्रीज कहाँ से लाती होगी, वो ओर से मैकेनिकल प्रोसेस से उसका एक्सट्रैक्शन करके लाते हैं. यानी कि अल्टीमेटली जो हम लोग मेटल देख रहे हैं, जैसे आयरन देख रहे हैं, जो आयरन का डोर बना हुआ है, ठीक है, आयरन का जो सीट बनी हुई है, हम उसको जो देखते हैं तो उसमें जो मेटल यूज हुआ है वह मेटल कहाँ से आया है, ओर से आया. अच्छा, ओर्स क्या होता है, ओर्स ये आपके अर्थ पर, यानी कि जो अर्थ सरफेस है,
ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट है, उस अर्थ क्रस्ट पर जो भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जिस फॉर्म में मिलते हैं या जिस कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं वही उसका ओर्स होता है। तो उस ओर्स पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिसे मेटलर्जिकल प्रोसेस भी कहते हैं, वहां से हम लोग मेटल को फाइन करते हैं। तो अल्टीमेटली जो ओर होते हैं, ओर्स, जैसे कि एक ओर हम आयरन का ओर लेके चलते हैं Fe2O3, इट इज अ आयरन ओर। तो ये आयरन फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में। तो ये जो कंबाइंड स्टेट में आपको ओर जो दिख रहा है, इट इज वेरी स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल होता है, थर्मोडायनामिकली इज वेरी मोस्ट स्टेबल, ठीक है, यानी कि थर्मोडायनामिकली स्टेबल, ठीक है। और जो स्टेबल होते हैं हैव लो एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी, लो। ये फोर्स होते हैं। अब इस फोर्स से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसमें ज्यादा एनर्जी हम इसमें लगाते हैं, भाई हीट करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो इन सब प्रोसेस से क्या होता है कि तब जाके हमें मेटल फाइन होता है एज। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटलर्जी, बहुत ध्यान समझिएगा, मेटलर्जी। और इस मेटलर्जी प्रोसेस में आप बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें कंज्यूम करते हैं, ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तब जाकर हमारा ये प्योर मेटल फाइन, प्योर मेटल आयरन मेटल यहां पर आपको मिलता है, आयरन। तो जो ये मेटल हमारा मिला है ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये एटॉमिक फॉर्म में दिख रहा है, ये एटम फॉर्म है। और आपको पता है कि एटम जो होते हैं ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, आपके कोई भी एटम अगर है तो फ्री स्टेज में रहना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी मेटल एटम है वो स्टेबिलिटी को फाइंड करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी। अब कैसे करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो मतलब कि जो ये मेटल आइटम आपको दिख रहा है ये थर्मोडायनामिकली ये अनस्टेबल है, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। और जो अनस्टेबल होंगे उनके एनर्जी क्या होगी, वेरी गुड, हाई। इनके एनर्जी भी क्या होगी, हाई, बहुत ध्यान समझेगा। तो किस तरीके से जो हमारा स्टेबल फॉर्म जो ओर से मैग्नेटिकल प्रोसेस से जो हमने यहां मेटल को निकाला है, प्योर मेटल को, वो थर्मोडायनामिकली क्या है, अनस्टेबल है और एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर हमने इस मेटल का प्रोटेक्शन नहीं किया तो नेचर का रूल है कि हाई अनस्टेबिलिटी, ठीक है, हाई अनस्टेबल से क्या हो जाएगा, स्टेबल की ओर जाएगा। तो इस तरीके से जो मेटल एटम हमारा प्योर मेटल एटम है ये जो बहुत ही अनस्टेबल है ये स्टेबिलिटी को गेन करता है, नेचर का रूल है, ठीक है, यानी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर जाएगा। तो जैसे ही ये मेटल आपके इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये तुरंत क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और फिर दोबारा ये क्या बना लेगा, Fe2O3। तो ये आपका हो जाएगा थर्मोडायनामिकली स्टेबल, थर्मोडायनामिकली स्टेबल। तो आप देखिए फिर से स्टेबिलिटी को गेन कर, और जो ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है तो इसी प्रोसेस को हम बोल देंगे कोरोजन, कोरोजन, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि कोरोजन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या होता है कि ओर से हमने क्या फाइंड किया, मेटल एटम यानी मेटल फॉर्म किया, प्योर मेटल फॉर्म किया, और फिर ये प्योर मेटल
में चेंज हो गया, ठीक है, इस प्रोसेस से कोरोजन से। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मेटल किसमें चेंज होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ओर, जिसको हम लोग किस फॉर्म में पढ़ते हैं, रस्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो इस तरीके से कोई मेटल कॉपर पे देखो ग्रीन कलर की लेयर भी लग जाती है ना, जो कॉपर पे लगती है लेयर उसका फार्मूला होता है, ग्रीन कलर का जो कोरोजन होता है उसका फार्मूला है कॉपर कार्बोनेट और प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक कार्बन कार्बन होता है जो कि आपको ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम पर भी कोरोजन होते हैं, एल्यूमिनियम पर देखिए Al2O3, यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो होता है बहुत ही पैसिव होता है, पैसिव मतलब बहुत ही हाईली इनरिएक्टिव होता है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अगर इस पर हाईली कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड पर भी अगर इसका इफेक्ट कराओगे तो नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो बच्चों यहां पर क्लियर हुआ आप लोग को कोरोजन क्या है, क्लियर हो गया। कोरोजन क्यों होता है ये भी क्लियर हो गया कि जो मेटल हमारे होते हैं, जो मेटल एटम होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, इसीलिए कोरोजन होता है। कोरोजन में क्या होता है कि वो फिर से स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोरोजन का ये पूरा प्रोसेस है, यहां तक क्लियर, ओके, ठीक है। You know. Now, effects of corrosion. Effects of corrosion. Effects of corrosion. Effects of corrosion. देखिए, मैंने आपको इसकी definition बताया और ये किस तरीके से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बताया। अब इसका effect क्या पड़ेगा? अच्छा, हमको ये बताइए, जैसे कि आपके घर के जो दरवाजे का जो लगा हुआ चौखट लगा हुआ है आयरन का, अगर उस पर कोरोजन हो गया और पूरा पूरा मेटल खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको, आप उसको निकाल के फेंक देंगे या किसी कबाड़ी को बेच देंगे। मतलब क्या है कि जो कोरोजन अगर होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, तो वही इसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं वही चीज आपको यहाँ बताना है। जैसे कि लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो मेटल की प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मेटल को नहीं बचाते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा। ऐसे ही आप देखिए जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं, अगर लगातार कोरोजन होता रहे तो मशीनरी पार्ट्स को भी बार बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अंडरग्राउंड जो पाइप लाइन होती है जो सैकड़ों किलोमीटर तक होती है, अगर उसमें कोरोजन हुआ तो कितना बड़ा उसका नुकसान हो सकता है, आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो रस्ट होते हैं, ब्राउन कलर का जो रस्ट है, अगर वो ड्रिंकिंग वाटर में चला गया लार्ज अमाउंट में, भाई आपके घरों में जो बहुत से घरों में जो है समरसेबल नहीं होता, वहां पर वाटर टैंक होता है, वहां से पानी सप्लाई की जाती है आपके घरों में, तो जो सप्लाई करने वाला जो पाइप होता है वो तो लोहे का होता है, आयरन का होता है। अगर उसमें कोरोजन हो गया तो क्या होगा, उसके डस्ट पार्टिकल्स आपके ड्रिंकिंग वाटर में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मिक्स हो सकते हैं, उसके रस्ट उसके मिक्स हो सकते हैं, जिससे उसका ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इसके इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए स्टडी मटेरियल मैं आपके लॉगिन पर ही दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मैं उसी पर्पज से सारा चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरीके से इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा थ्योरीज, थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ कोरोजन, थ्योरीज ऑफ कोरोजन, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरीज ऑफ कोरोजन, थ्योरीज ऑफ कोरोजन। जो मेटल सरफेस पे होते हैं इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरी दी गई, तो जनरली यहां पे दो थ्योरी आपको देखने को मिली। जो पहली थ्योरी है वो है ड्राई कोरोजन, ड्राई
corrosion or chemical corrosion. यहाँ दो चीजें हैं, पहली चीज़ ये dry corrosion और chemical. Dry corrosion में होता क्या है कि इसमें जो active metals होते हैं, जैसे sodium है, potassium है, zinc है, aluminium है, chromium है, ये जो metals होते हैं, अगर हम इसको air में ऐसे रखते हैं, कोई moisture ना हो, gases जैसे कि oxygen, इसके लिए factor जो होते हैं, oxygen, ठीक है, sulfur, sulfur dioxide, sulfur भी आपके मिल सकते हैं, तो ये सब gases जो होते हैं, वो direct metal पर affect करें और डायरेक्ट अटैक करके उसको कोरोड करें. जैसे कि सोडियम है, आपने सोडियम लिया, उसको एयर में रख दिया, सभी जानते हो हाईली रिएक्टिव होता है, देयर विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड और उसको बैलेंस कर दीजिए, उसको बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा. तो इसी सोडियम ऑक्साइड की लेयर क्या होगी, इस सोडियम मेटल के ऊपर बन जाएगी, तो ये कोरोजन स्टार्ट हो गया. जैसे यहां पर इसका ऑक्साइड की लेयर एक्सपोज होगी, खुलेगी, फर्दर क्रोजन स्टार्ट होगा. तो ये ड्राई क्रोजन और केमिकल क्रोजन भी इसी तरीके से होगा. जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी देखिए, एल्यूमिनियम एयर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बैलेंस कर दीजिए. अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक सरफेस, इसके सरफेस पे आप किसी कोटिंग कर देगा जो भी बहुत पैसे होता है, मैंने पहले बताया. तो इस तरीके से क्रोजन यहां पर होते हैं, डायरेक्ट ड्राई लेवल डायरेक्ट रिएक्शन होता है इसमें, इसमें किसी भी टाइप मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती. यहां कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, यहां पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, सोडियम का. सोडियम क्या करेंगे, सोडियम Na Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, टू माइनस बैलेंस कर दे रहा हूं उसको, हां इसको बैलेंस कर दीजिए, जैसे टू है तो देयर इज फोर, ये फोर हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे टू हो जाएगा, ठीक है. अब इसको आप इतना चाहो तो लिख सकते हो, बैलेंस करके इसको ऐड कर दीजिए, तो नाउ यहां इलेक्ट्रॉन काटना है आपको, तो फोर से मल्टीप्लाई करिए, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 2 एंड देन Na प्लस 4 Na प्लस एंड 2O 2 माइनस एंड नाउ 4 Na प्लस प्लस 2O 2 माइनस क्या फॉर्म करेगा, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड ये बन गया है आपका लेयर, ऑक्साइड बन गया है. तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन. इसमें देखो इलेक्ट्रॉन लूज, ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन सभी ने सभी पढ़े हो, जानते हो, मैंने भी पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. तो ऑक्सीडेशन जब भी किसी भी सब्सटेंस में होगा तो वो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एनोड. और रिडक्शन किसी सब्सटेंस में अगर होता है तो वो क्या होता है, कैथोड, ठीक है. तो यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहां पर रिडक्शन प्रोसेस, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस है. तो इस तरीके से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों होते हैं, जिस वजह से यहां पर रिएक्शन होता है. तो आप पूरे क्रोजन में दो रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन दोनों देखेंगे. इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रो कैंसिल जो हम पढ़ाएंगे आगे, उसमें आपका कैथोड और एनोड दोनों आते हैं. तो ये हो गया आपका ड्राई क्रोजन और केमिकल. तो इस ड्राई क्रोजन और केमिकल क्रोजन में एक रूल चलता है कि ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं, ये ऑक्साइड कितना प्रोटेक्टिव है, ये ऑक्साइड किस तरीके से, अगर एक बार बन गया, एक बार क्रोजन हो गया, आगे क्रोजन ना हो, तो इसके लिए ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि इसके प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव नेचर को बताने के लिए एक रूल चलता है. उस रूल को हम कहते हैं पिलिंग वेडवर्थ रूल. मैं लिख दे रहा हूं उसको, नाउ पिलिंग वेडवर्थ रूल. पिलिंग वेडवर्थ रूल के थ्रू हम ये देखेंगे कि किसी मेटल सरफेस पे जो मेटल ऑक्साइड की ये जो फिल्म बनी हुई है ड्राई क्रोजन में,
मेटल ऑक्साइड, ये जो फिल्म बनी हुई है, ये फिल्म कितना प्रोटेक्टिव है, मतलब फर्दर ये मेटल के कोरोजन को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फिल्म बैकवर्ड रूल। तो फिल्म बैकवर्ड ने एक रेशियो यहां पर निकाला था, वो रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑक्साइड फॉर्म, यानी उस मेटल के ऊपर जो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है कितने वॉल्यूम में हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ द मेटल कंज्यूम, यानी इसमें जो ये मेटल है वो कितना कंज्यूम हो रहा है। चलो उसको एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से देखो, इसे मैंने यहां मेटल ले लिया, सपोज दैट हमने मेटल लिया यहां पर क्रोमियम, और इसका मेटल ऑक्साइड क्या फॉर्म होगा, क्रोमियम ऑक्साइड। सपोज दैट यहां पे क्रोमियम कम कंज्यूम हुआ, ठीक है, मेटल कंज्यूम यहां पे कम हुआ, ठीक है, और जो कंज्यूम होने के बाद जितना बना हुआ है ये क्रोमियम ऑक्साइड का वॉल्यूम इस मेटल सरफेस पर उतना ही रहा, वो डिग्रेड नहीं हुआ, यहां पर खोज कर कोई इसको निकाल दिया ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, या बारिश पड़ी तो ये बह गया ऐसा नहीं हुआ, यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो इस क्रोमियम मेटल के सरफेस पे बिल्कुल रिटेन रहा, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस केस में क्या होगा कि जितना वॉल्यूम मेटल का कंज्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम मेटल ऑक्साइड का फॉर्म होगा, यानी कुल मिलाकर रेशियो अगर 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इस केस में ये मेटल ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में ये इस मेटल सरफेस पे रहेगा, जिससे फर्दर ये जो ऑक्सीजन है ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, फर्दर क्रोमियम पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की क्या है, लेयर है। मेरी बात समझ आ गया, कब, जब इसका रेशियो कितना आया, 1 है, या 1 से आप ज्यादा भी हो जाए, भाई होता क्या है कि कुछ चीजें कहीं बाहर से उसके ऊपर और जाके डिपॉजिट हो गया, यानी मेटल ऑक्साइड का वॉल्यूम और बढ़ गया, तो उस केस में क्या होगा, और प्रोटेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर जितना मेटल हमारा कंज्यूम हुआ ऑक्साइड बनाने के लिए, उतने ऑक्साइड बने फिर बाद में कहीं से ये यहां से निकल गया, कहीं कहीं से ये क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, बाहर चले गए, इसके सरफेस वाले पार्ट से हट गए, किसी भी वजह से, बारिश की वजह से, या मैग्नेट, हमने चाकू लिया इसे खुरोज स्क्रैच कर, तो उस केस में जितना हमारा ये कंज्यूम हुआ ये, ठीक, वो तो पूरा कंज्यूम हुआ, लेकिन मेटल ऑक्साइड उतने नहीं रहे सरफेस पर, तो क्या होगा भाई, तो यहां पर ये ऑक्सीजन फिर आसानी से क्रोमियम पर अटैक कर देगा फिर से, जिससे वो मेटल हमारा प्रोटेक्टिव नहीं रहा, मतलब अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ गई, 1 यानी लेस देन 1, अगर 1 से कम हुई तो नॉन प्रोटेक्टिव, और 1 और 1 से ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव। यानी कि आप कह सकते हैं इस तरीके से फिलिंग बेडवर्थ रूल के थ्रू कि वो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड उस मेटल को कितना सेफ रख सकता है, अगर ये रेशियो जो आएगा इस ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, प्रोटेक्टिव, क्या होगा, प्रोटेक्टिव, और ये रेशियो लेस देन या इक्वल, ठीक है, रेशियो इज ग्रेटर देन, रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो प्रोटेक्टिव, रेशियो लेस देन 1 तो क्या होगा, नॉन प्रोटेक्टिव, नॉन प्रोटेक्टिव, नॉन प्रोटेक्टिव। इतनी बात समझ आ गई, देखिए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, क्योंकि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है बहुत हार्ड होता है, ठीक है, कहते हैं कि तार पर कार्बन आ गया, तो कार्बन क्या है, वही एल्युमिनियम ऑक्साइड ही होता है, तो अपने आप जो है वो नहीं हटता सरफेस से, ठीक है,
तो उसी पर अधर्ड होता है, टाइट भी जो होता है अधर्ड होता है, उस पर चिपका रहेगा, जिस वजह से उसका प्रोडक्टिव जो नेचर है वो बाकी सब मेटल ऑक्साइड से क्या होता है ज्यादा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, Shambhunath Group of Institutions, a mentor for glorious transformations.